पौधशाला से खेत तक सूखे फूलों की तकनीक। किसान भाइयों, प्रकृति ने हमें अनगिनत तोहफों से नवाजा है। इन्हीं तोहफों में से है पेड़ पौधे जो हमें जीवन देते हैं। पेड़ पौधों के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये पेड़ पौधे खत्म होने के बाद भी सूख कर किस तरह हमारे काम आते हैं, जो सजावट के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए आज हम आपको ले चलते हैं खेतों से प्रयोगशाला की ओर। फूल पौधों पर शोध यानी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की खोज, उनकी खेती और विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने सूखे हुए फूल, बीज, तनों और पत्तियों को सजाने संवारने की नई वैज्ञानिक तकनीक विकसित की है। इस आधुनिक नई तकनीक से संदेश पत्र, दीवार पर टांगी और लगाई जाने वाली सुंदर कलाकृतियां और कई तरीके के सुंदर डिजाइन वाले सजावटी सामानों को बनाने की आधुनिक कला विकसित की गई है। इस नई तकनीक में खासकर पेड़ पौधों के उन हिस्सों का प्रयोग किया जाता है जो पेड़ से गिरकर नष्ट हो जाते हैं या फिर किसी काम के नहीं रह जाते। जैसे इस नई तकनीक से जहां सूखे पत्तों से गणेश का रूप, जंगली बादाम से बतख और कई तरह के फूलों को सुखाकर तरह तरह की सुंदर चिड़ियों की आकृतियां बनाई जाती हैं, वहीं मोर पंखी और फर्न की अलग अलग प्रजातियों की पत्तियों को सुखाकर सुंदर संदेश पत्र तैयार किए जाते हैं। इसी तरह रामदाना, सरसों और पोस्ते के बीजों का इस्तेमाल करके सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। इस कला में किसी भी फूल या पत्ती को एक सरल लेकिन खास विधि के द्वारा सुखा लिया जाता है, जिससे उसका रूप रंग बरकरार रहता है। ये एक जोरा के फूल हैं और जिस हाल में हैं आप इसी हाल में रख के सिलिका जेल में सुखा सकते हैं और इसे सजावटी रूप दे सकते हैं। पहले सिलिका जेल डालते हैं, फिर फ्लावर रख दीजिए, फिर उसके बाद सिलिका जेल जो है डायरेक्ट नहीं डाल के धीरे धीरे इसको गिराते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियां जो है मुड़े ना। अगर सिलिका जेल ना मिले तो आप इसके जगह बालू यूज कर सकते हैं साफ धूल के लिए। इसको करने के बाद आप जो है 48 घंटे 30 सेंटीग्रेड डिग्री पे ओवन में रखेंगे और फिर इसके बाद जब निकालेंगे तो आपको नेचुरल कलर मिलेगा। NBRI के ही डॉक्टर आर के राव के अनुसार राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान सूखे फूलों और पत्तों को संरक्षित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। सामान्यतया 3 से 4 दिन में सूखकर अपना अस्तित्व खो देने वाले ये फूल और पत्तियां कई दिनों तक सुंदर और सुरक्षित बने रहते हैं। इस कला को जन जन तक पहुंचाने के लिए संस्थान समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, जिससे बेरोजगार युवा और प्रकृति प्रेमी इस विधि का पूरा लाभ ले सकें। वनस्पति उद्यान हमेशा विभिन्न जो टेक्निक है उसको डेवलपमेंट पे काम करते आए हैं। जैसे हम लोग पौधे के संरक्षण भी करते हैं, ऐसे साथ साथ विभिन्न जो टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर भी काम करते हैं। सूखे पत्तियों का जो एक कला है ये भी NBRI विकसित किए हैं और हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि इस कला को कैसे हम लोग समाज में इसको प्रचार प्रसार करें। इसके लिए हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजन करते हैं और समाज में जो लोग इसको सीख के अपना रोजगार बना सकते उस विषय में भी हम लोग तत्पर रहते हैं और NBRI निरंतर प्रयास करती रहती है कि किसी तरह से इनका जो भी टेक्नोलॉजी है इनसे समाज को लाभान्वित हो।
इस आधुनिक नई तकनीक के द्वारा बनाई गई सुंदर कलाकृतियां सजावट हेतु घरेलू और व्यावसायिक उपयोग में लाई जाती हैं। किसानों और कम पूंजी से व्यवसाय करने वालों के लिए ये आधुनिक नवीन तकनीक कमाई का एक अच्छा जरिया बन सकती है। इसके लिए चाहिए थोड़ी सी समझ, आगे की सोच और कला के प्रति प्रेम। इस आधुनिक तकनीक से बनाई गई कलाकृतियां देश विदेश के बाजारों में भी अपनी खास जगह और पहचान बना सकती हैं और किसान भाई इससे अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। हमारे देश के हर प्रदेश में कई तरह के फल, फूल, बीज आदि पाए जाते हैं, जिन्हें किसान भाई खेती के कार्य करने के पश्चात विश्राम के समय इस प्रकार की कलाकृतियां बनाकर अपना मनोरंजन और अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं।